मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके। हेलो दोस्तों, राम राम। मैदान मूवी का फाइनल ट्रेलर आ गया है और ये ट्रेलर अजय देवगन की 55वीं सालगिरह पर रिलीज किया गया है, तो पहले हम उसका ट्रेलर देख लेते हैं। वैसे पूरे इंडिया में किसी को नहीं लगता कि हम कभी जीतेंगे, पर आपको लगता है। कब? मिस्टर रहीम, इंडियन फुटबॉल टीम कोच। इंडिया खेलना चाहते हो तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। रहीम, तू क्या ढूंढ रहा है यार? मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं। बिंगाल के खिलाड़ियों को हैदराबादियों से बदलने का मौका ढूंढ रही है। मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन हम तो अब तक बंगाल और हैदराबाद में अटके हुए हैं। सुना छोपर पट्टी से किसी लड़का को उठा लिए, कहां से नमूना इकट्ठा किया मिस्टर रहे? जो समझ में नहीं आए उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आज एक कांटे की टक्कर की उम्मीद थी, पर भारत 47 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। नया टीम बनाया। क्या किया? बहुत ज्यादा बहाने हो गए। ऐसा ही चलता रहेगा? एक और टूर्नामेंट हारने का समय नहीं है हमारे पास। ऐसे रहीम को पड़े जिस्म के खास हिस्से पे लात। करेक्ट। इस भीड़ से साथ की उम्मीद मत रखना, आज कान बंद करके खेलना। इसका हिसाब चाहिए मुझे। आज लोग क्रिकेट के फैन हैं, पर 50 के दशक में लोग फुटबॉल के फैन थे और ये फुटबॉल पे आधारित ही मूवी है। ये मूवी स्पोर्ट पर आधारित है, पर ये रियल बायोपिक भी है सैयद अब्दुल रहीम की, जिन्होंने 50 के दशक में इंडिया को जीत दिलाई थी। इसमें आगे देखो सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभा रहे हैं और वो सीरियस हो जाते हैं और जब वो चलते हैं वो पूरी इंडिया की टीम को लेके चलते हैं। वो टीम के बारे में बात करने जाते हैं ना, तो वहाँ हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की बातें होती हैं, तो ये बात अजय देवगन को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि आज मैं जब अपनी पूरी टीम की बात करने आया था तो हमें लगा था हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, यहाँ तो आज भी पश्चिम बंगाल और हैदराबाद की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो एक सैयद अब्दुल रहीम एक मुसलमान थे और हैदराबाद और पश्चिम बंगाल की बातें चल रही थी, की जा रही थी। वो कहते हैं ना छोटी छोटी बस्ती से उनको उठा के लाए हो, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी बस्ती से उठा के फुटबॉल टीम को एक पावरफुल टीम बनाया था। ये एक जो प्लेयर होते हैं ना उनको चोट लग जाती है, और अजय देवगन जब कहते हैं ना कि मुझे इसका हिसाब चाहिए, बहुत मजा आता है। इसमें आपको देखने मिलेंगे अजय देवगन, प्रिया मणि, त्राणी घोष, बहुत अच्छे कलाकार और बहुत बड़े कलाकार दिखाए गए इसमें। और इसमें कितना सीरियस होके अजय देवगन उस टीम के कप्तान बनते हैं, वो एक एक को चुन चुन के लाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी के जो ट्रेलर में दिखाया गया, जो हमने नोट किया, उसमें जो प्लेयर दिखाए गए हैं ना, वो ऐसे प्लेयर दिखाए गए हैं जिनको फुटबॉल खेलनी आती ही हो। ऐसा नहीं कि उनको फुटबॉल के बारे में कुछ भी ना पता हो और उनको एक्टर बना दिया गया या फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया हो। जितने भी इसमें प्लेयर हैं फुटबॉल टीम के, उन सबको थोड़ी ना थोड़ी फुटबॉल खेलनी आती है। ट्रेलर बहुत दमदार था, मूवी बहुत ही ज़्यादा दमदार होगी। स्पोर्ट के मामले में ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है।
आज सारे लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, पर फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मौका है, वो अपनी जिज्ञासा को बड़े पर्दे पर देख सकते हैं और अपनी उमंग जगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मूवी फुटबॉल मैदान के ऊपर आधारित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये जो ट्रेलर था ना मैदान का, वो आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।